डायरेक्टर इम्तियाज अली की रिसेंट रिलीज फिल्म तमाशा ने पहले वीकेंड तक 38.23 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बीते रोज मुंबई के एक होटल में रणबीर और दीपिका स्टारर इस फिल्म की सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। पार्टी में दीपिका के कथित बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह भी शामिल हुए। मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिली। बहुत खूबसूरत फिल्म है। मैंने इम्तियाज को भी कहा, रणबीर को, दीपिका को, रवि वर्मन सर को, fabulous work. अर्ज़ा हो गया कि इतनी अच्छी पिक्चर देखी मैंने कभी। दरअसल जब रणवीर सिंह मीडिया से फिल्म और दीपिका की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, तभी दीपिका पीछे से आई और उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद रणवीर दीपिका की तारीफें ही करते रहे और दीपिका मुस्कुराती नजर आईं। कुछ देर बाद दीपिका रणवीर के गालों पर किस कर अंदर चली गयी। तमाशा की सक्सेस पार्टी में फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और डायरेक्टर कबीर खान समेत कई स्टार्स ने पार्टी को एंजॉय किया। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां हर रोज एक नया ड्रामा देखने को मिलता है, कभी लड़ाई को लेकर तो कभी प्यार को लेकर। घर का कोई न कोई प्रतिभागी चर्चा में बना ही रहता है। ऐसा ही कुछ हाल ही में बिग बॉस द्वारा दिए गए एक टास्क में देखने को मिला। बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया था जिसमें घर वालों को एक कार में जाकर बैठना था और जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा समय तक कार में रह पाता वो अगले दो हफ्ते तक नॉमिनेशन से सेफ रहता और अगले हफ्ते घर का कैप्टन भी बनता। लेकिन उस दौरान अगर कोई कंटेस्टेंट कार से बाहर आ जाता है तो वो उसी समय टास्क से बाहर हो जाएगा। ऐसे में टास्क के दौरान प्रिया मलिक को सुसु आ गया, लेकिन वो कार से उतरना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कार में ही सुसु करेंगी और उन्होंने ऐसा किया भी। प्रिया मलिक ने कार में बाकी सदस्यों की मौजूदगी में ही सुसु कर दिया। प्रिया की इस हरकत से कार में बैठे सभी प्रतिभागियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या आपको साक्षी प्रधान याद है? ये साक्षी वही है जो स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 4 में नजर आ चुकी है। दोनों शो से प्रसिद्धि हासिल करने के बाद अब साक्षी लंबे समय के बाद फिर चर्चा में आ गई है। साक्षी अब किसी विवाद के कारण नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में है। साक्षी एक मॉडल है जो बॉलीवुड में एंट्री को तैयार है। साक्षी समय समय पर अपनी तस्वीरें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। आप खुद उनकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि साक्षी बॉलीवुड में कितनी ज्यादा बोल्डनेस लेकर आ रही हैं। बॉलीवुड में जरीन खान ने बेहद सिंपल लुक से एंट्री ली थी। जरीन जहां एक तरफ वीर में सादगी में नजर आई थी, वहीं इसके उलट अपकमिंग मूवी हेट स्टोरी 3 में काफी बोल्ड नजर आ रही हैं। लेकिन इस बात के लिए जिसने जरीन को राजी किया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में जरीन खान ने कहा है कि अपनी माँ के कहने पर उन्होंने ये फिल्म करने के लिए हामी भरी। जरीन ने कहा है कि वो इस फिल्म को लेकर बहुत कंफ्यूजन में थी, लेकिन उनकी माँ से बात करने के बाद वो कॉन्फिडेंट हो गईं। जरीन के मुताबिक मेरी माँ की राय ही मेरे लिए महत्व रखती है। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कर लो, इसमें कोई बिग डील नहीं है, आजकल तो हर फिल्म में ये सब होता है। जरीन ने बताया कि माँ के मुँह से ये सुनकर उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिला कि वो ये कर सकती है। जरीन ने ये भी कहा, और वो सही भी है, आजकल तो हर फिल्म में ये किसिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि हमने जिस तरीके से फिल्म हेट स्टोरी 3 में ये सीन्स फिल्माए हैं वो थोड़े ज्यादा बोल्ड लग रहे हैं। बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोन इन दिनों अपनी फिल्म मस्ती ज्यादा की शूटिंग में बिजी है। सनी की फिल्म रागिनी MMS 2 का सॉन्ग बेबी डॉल काफी हिट हुआ था। अब जल्द ही वो इस सॉन्ग को मस्ती ज्यादा के लिए रिक्रिएट करती नजर आएंगी। खबरों के मुताबिक सनी बेबी डॉल के नए वर्जन में साड़ी पहनकर अपने को एक्टर तुषार कपूर को वन नाइट स्टैंड के लिए उकसाती हुए नजर आएंगी। सनी को बेबी डॉल सॉन्ग में साड़ी पहने देखना काफी दिलचस्प होगा। पहले से ही इस सॉन्ग को लेकर सनी दर्शकों के दिमाग पर एक छाप छोड़ चुकी है। अब इस सॉन्ग को नए तरीके से किस तरह से शूट किया जाएगा ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चल पाएगा। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।